नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत में फूलपुर विधानसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां पांचवें फेज में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां कांग्रेस के सिद्धनाथ मौर्य, बीजेपी के प्रवीण कुमार पटेल, समाजवादी पार्टी के मुर्तजा सिद्दीकी, बीएसपी के राम तोलन यादव के बीच मुकाबला है। फूलपुर विधानसभा सीट पर साल 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। 1977 में जनता पार्टी के पद्माकर, 1980 में कांग्रेस के अबुल कलाम, 1985 में आईसीजे और 1989 में बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत विधायक निर्वाचित हुए। यहां साल 1991 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी और 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव, 1996 और 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव ने जीत का परचम लहराया था। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा के अरुण यादव विधायक चुने गए थे। वहीं 2012 में सपा के सैयद अहमद ने जीत का परचम लहराया था। साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के प्रवीण सिंह ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंसूर आलम को 26,613 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। बीजेपी के प्रवीण सिंह ने 93,912 वोट हासिल किए, जबकि सपा के मंसूर आलम को 67,299 वोट मिले, जबकि बीएसपी के मोहम्मद मसरूर शेख 50,421 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में कुल वोट प्रतिशत 41.94 रहा। यहां कुल वोटर्स की संख्या 4,60,028 है। इनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 2,22,447 और महिला वोटर्स की संख्या 1,83,517 है। इस विधानसभा क्षेत्र में एससी वोटर 75,000, यादव वोटर 70,000, पटेल 60,000, ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम वोटर 50,000, निषाद वोटर 22,000, वैश्य 16,000 और क्षत्रिय वोटर 15,000 हैं। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी हैं। ये वोटर बीएसपी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, लेकिन इस बार के सियासी रण में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ के दलित वोटर मायावती की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वे लगातार अखिलेश और सीएम योगी की चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वोट किसके पक्ष में मतदान करेगा, इसलिए इस बार इस सीट पर बड़े कांटे का मुकाबला है। वहीं सियासी रण में यहां से मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स के बीच जमकर वादे और दावे करने में लगी हैं। विकास की गंगा बहाने की बातें की जा रही हैं। डोर टू डोर और वर्चुअल मोड में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा लुभाने की कोशिश हो रही है। यहां से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचकर गिना रहे हैं, तो वहीं सपा उम्मीदवार मुर्तजा सिद्दीकी भी पीछे नहीं हैं। वे भी आगरा एक्सप्रेस वे से लेकर कन्या विद्याधन जैसी तमाम योजनाओं के कसीदे पड़ रहे हैं। यहां की जनता इस बार के चुनावी रण में किसे अपना वोट और आशीर्वाद देती है, किसे चुनकर विधानसभा में भेजती है, कौन यहां सियासी ताज पहनकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन साफ होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।